श्री पहलवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मोहन सरकार में महिलाओं को भी जगह मिली है। पहली बार विधायक बनी प्रतिमा बागरी को राज्य मंत्री बनाया गया। दरअसल लंबे समय से प्रतिमा लगातार संगठन से जुड़ी रही। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रतिमा बागरी को रैगांव से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि इससे पहले 2021 में रैगांव विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें टिकट मिला था। बागरी को टिकट मिलते ही बाकी दावेदार चौंक गए थे। बागरी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को मैदान में उतारा था, तो वहीं बीजेपी ने प्रतिमा की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बागरी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि सतना की ये आरक्षित सीट है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रतिमा बागरी पर फिर भरोसा जताया, जिसके बाद बागरी ने कल्पना वर्मा को भारी मतों से हरा दिया। फिलहाल मध्य प्रदेश को नया मंत्रिमंडल मिल गया है। सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी 28 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया। इसमें 18 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, 6 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं इस मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को जगह मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।